पर अब आपको वाराणसी से खबर बताते हैं, चूंकि सपा नेता अबू आजमी के करीबियों पर दरअसल छापेमार कार्रवाई की गई है। यहां आयकर विभाग की टीम और साथ साथ ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। काशी में कार्रवाई की गई है, वाराणसी के विनायक प्लाजा में छापेमारी की गई है। रेड के दौरान प्लाजा में फोर्स पहुंच गई। विनायक प्लाजा के थर्ड फ्लोर के दफ्तर में जांच पड़ताल की गई। कार्यालय में लोगों के फोन ईडी के अधिकारियों ने कब्जे में ले लिए। तीसरे फ्लोर पर लोगों के आने जाने पर रोक लगी थी। तो सपा नेता अबू आजमी के करीबी जिनके यहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है, ईडी की टीम ने कार्रवाई की है, साथ ही आयकर विभाग की टीम ने यहां छापेमारी की है। विनायक प्लाजा में छापेमारी की गई है और जब ये छापेमार कार्रवाई की जा रही थी तो इस वक्त यहां पर भारी फोर्स भी तैनात रही और विनायक प्लाजा के थर्ड फ्लोर के दफ्तर में जांच पड़ताल की गई। कार्यालय में लोगों के फोन ईडी के अधिकारियों ने कब्जे में ले लिए थे। तीसरे फ्लोर पर लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। तो जब ईडी की टीम आयकर विभाग की टीम यहां पर पहुंची तो सभी लोगों के फोनों को कब्जे में कर लिया गया और साथ साथ लोगों की आवाजाही पर, जो तीसरे फ्लोर पर छापेमार कार्रवाई चल रही थी, वहां पर लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई थी। अभी ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ और करीबी जो अबू आजमी के हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, उनके ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई हो सकती है। यानी इसके अलावा कई और ठिकाने हो सकते हैं जहां ईडी की टीम, आयकर विभाग की टीम पहुंच सकती है कार्रवाई करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अनुज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से। अनुज, इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, सपा नेता अबू आजमी के जितने करीबी हैं बनारस में, जाए वो गुप्ता परिवार कह लिया जाए, अग्रवाल परिवार कह लिया जाए या आजमी परिवार कह लिया जाए, इनमें कहीं ना कहीं इनके शेयरिंग है अबू आजमी का, लगातार इसमें बना रहता है। चाहे वो मॉल कह लीजिए, चाहे बिल्डिंग कह लीजिए, तमाम चीजों को। तो कहीं आयकर टीम का छापामारी पड़ा मॉल जहाँ पर इनकी विनायक प्लाजा है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे इनकी जांच पड़ताल काफी लंबे समय तक चली और मोबाइल और काफी कागजात जो है जब्त कर लिया गया। और साथ ही साथ उनके जितने भी ठिकाने थे, चार तकरीबन दर्जनों भर ठिकानों पर तो लगातार छापेमारी पड़ी और दोपहर से लेकर रात तक ये कार्रवाई चलती रही। तो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं हवाले का जो पैसा भी आया था तकरीबन 40 करोड़ वो बनारस से मुंबई भेजा गया था और जो आयकर की चोरी है वो भी तकरीबन 100 करोड़ के बताया जा रहा। तो लगातार जो जांच पड़ताल है वो लगातार चला और उसके बाद लखनऊ की जो टीम थी वो वापस चली गई। अब देखे जाने वाली बात यह है कि कितने का मामला पूरा आया जाए, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो तकरीबन 100 करोड़ के ऊपर का कर चोरी का मामला है। ठीक है अनुज, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।